हेलो देयर, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन हमने क्या पढ़ा था, हमने उसका स्ट्रक्चर, हमने उसका डायग्राम भी बनाया था, बहुत डिटेल बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने वीडियो अपलोड कर दी है, डू चेक इट आउट। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, कि न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है। न्यूरॉन कैन बी अंडरस्टूड एज दी बेसिक यूनिट ऑफ आर नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन से ही हमारे सारे नर्वस टिश्यू बने रहते हैं, राइट। और नर्वस सिस्टम का एक्चुअली ये बेसिक पार्ट भी हम इसे कह सकते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन कहाँ काम आता है? ऑफकोर्स जब कोई स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस मतलब कि द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर विच अ रिस्पॉन्स हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है तो ऑफकोर्स उसके लिए एक रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आपने गर्म आयरन छुआ है, जो प्रेस होता है हमारा, उसको छुआ है, तो ऑफकोर्स यू नीड अ रिस्पॉन्स कि उंगली हटानी है, राइट। तो ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये हमारे ब्रेन से नहीं आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब कि जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, हमारे नाक की ब्रेन से। जो बहुत लोगों को ऐसा मिथ है कि हमारे सारे एक्शंस ब्रेन लेता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। अब स्पाइनल कॉर्ड को पता तो है कि क्या करना है, लेकिन जब तक बीच में कोई मैसेंजर ही नहीं होगा तब तक हमारे हाथ को कैसे पता चलेगा कि अपना दूर भागना है। अगर मान लीजिए आपके स्कूल में छुट्टी की नोटिस आई है कि कल छुट्टी है, बट आपकी क्लास को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि कोई मैसेंजर ही नहीं है, कोई बीच में कोई आया ही नहीं बताने कि छुट्टी है, तो आपको कैसे पता चलेगा? छुट्टी भी है और आप लोग फिर आ जाएंगे, तो ये क्या होगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है? नहीं है। तो इसके लिए होते हैं भाई न्यूरॉन्स। तो अब न्यूरॉन्स ऐसे थोड़ी होगा कि हाथ से भागेंगे स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से भागेंगे हाथ में, नहीं। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ना समझा करके ऐसे समझाऊं, तो मान लीजिए ये आपका हाथ है, यहाँ से आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे ये होगा हमारा, मान लीजिए सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी ये इन्फॉर्मेशन लेके, यहाँ पे होता है हमारा रिले न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन हमारा जो भी प्रोसेस, जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड ने कहा होगा करने को, वो वाली जो मैसेज होता है वो यहाँ से लेके जाता है मोटर न्यूरॉन बैक टू द हैंड या टू द मसल। तो जैसा कि अब मैंने नाम बोल ही दिए हैं, तो जो पहला न्यूरॉन होता है वो होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। नाम से में ही है सेंस, मतलब कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंसरी ऑर्गन्स में। कौन कौन से होते हैं भाई? ईयर्स, आईज, नोज, स्किन, टंग। फाइन, तो टंग बेसिकली टेस्ट, टच, स्मेल, विजन एंड साउंड। तो भाई इन पांचों चीज़ों के लिए जो है हमारे सेंसरी न्यूरॉन चाहिए होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पांचों जगहों में, जिससे अगर भी कोई भी स्टिमुलस हो, कोई भी चेंज हो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो हमारी बॉडी को पता चल जाए। फाइन, अब भाई क्या हुआ सेंसरी ऑर्गन ने, तो अब सेंसरी ऑर्गन में मान लीजिए टच का ही हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपने कोई ठीक है कैंडल छू ली, ठीक है कैंडल छू ली, फिर क्या हुआ सेंसरी न्यूरॉन को पता चला। अब वहाँ पे हमारे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? दे रिसीव, ठीक है, क्या रिसीव करते हैं कि भाई हमारा हाथ जल रहा है और हमें कुछ एक्शन लेना है। कि द सेल्स और टिश्यूज और द ऑर्गन्स दैट रिसीव द स्टिमुलस एंड इनिशिएट द सिग्नलिंग प्रोसेस, ठीक है। रिसेप्टर्स ने उसको सेंस कर लिया। अब रिसेप्टर से कहाँ जाएगी भाई? सेंसरी न्यूरॉन।
सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके गया इसको? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में फिर आया दूसरे का काम, दूसरा क्या हो गया हमारा? रिले न्यूरॉन। अब है रिले न्यूरॉन ने क्या किया, रिले न्यूरॉन ने ये जितनी भी इंफॉर्मेशन या जो भी हमको रिस्पांस लेना था फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, इसको किसको दे दिया? हमारे मोटर न्यूरॉन्स को। बस इसका यही काम है, बस ये खड़ा रहता है अपनी प्लेस पे, जो भी यहाँ से आता है स्टिमुलस का जो भी सिग्नल आता है वो ये स्पाइनल कॉर्ड को देता है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो भी रिस्पांस जनरेट होता है वो ये मोटर नर्व्स को देता है, सॉरी मोटर न्यूरॉन्स को देता है। ठीक है, अब मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया, आप ऐसे अपने माइंड में ऐसे एक आर्क फ्रेम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे स्टिमुलस आया, फिर सेंसरी, फिर रिले, फिर मोटर वापस वहीं आ गया जहाँ से शुरू हुआ था। अब मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, बता दिया मैंने पहले ही कि वो वापस से जो भी रिस्पांस आया होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो किसके पास लेके जाएगा, टू द मसल्स या ऑर्गन्स, जो भी कुछ है, सेल्स, टिश्यूज, जो भी है। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि मसल, सेल, टिश्यू, नहीं, टू द इफेक्टर्स। रिसीव किसने किया था? रिसेप्टर्स। और रिस्पांस कौन लाएगा? इफेक्टर्स। ठीक है, तो इफेक्टर्स आर द टिश्यूज, ग्लैंड्स और द मसल्स विच एक्ट इन रिस्पांस टू द स्टिमुलस रिसीव्ड फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, अब क्या हुआ भाई, इफेक्टर्स को जब ये मिला कि अरे भाई हाथ हटाना है, उन्होंने क्या किया, तुरंत हाथ हटा लिया। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसका जो जिम्मा होता है किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रेन सोचता है क्या करना है। देखो, थिंकिंग प्रोसेस दो इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, लेकिन स्टिल इट टेक्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू अकर। तब तक में तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने से कोई दूसरी कार आ रही है तो आपको मोड़ना है तुरंत, या आपको ब्रेन नहीं बताएगा या आपको स्पाइनल कॉर्ड बताएगा, बिकॉज इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन है, आपको तुरंत करना है। अब आप अगर ब्रेन को कहोगे करने को तो ब्रेन तो भाई सोचने लगेगा कि अच्छा क्या करना है, जगह देखेगा, कुछ नहीं, तुरंत मोड़ना है। ये कौन किया, ये किसने बताया? स्पाइनल कॉर्ड ने बताया। नाउ दिस वॉज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन।